इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर। स्वामी ने उठाए हैं सवाल, और क्या भगवान राम निर्जीव हो गए थे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या भगवान राम निर्जीव हो गए थे? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ी? जो पहले से जीवित उसकी प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्यों की गई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सवर्ण हिंदू ओबीसी एससी और एसटी का आरक्षण खा रहा है। वही विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है क्या भगवान राम निर्जीव हो गए थे जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत पड़ी? वहीं जो पहले से जीवित है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्यों की गई है? तो लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, अक्सर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी धर्म को लेकर तो कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर अक्सर इस तरीके के विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। एक बार फिर से उनका विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या राम भगवान निर्जीव हो गए थे? जो लोग जीवित हैं उनकी आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई है? आप प्राण प्रतिष्ठा, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था। वहां देश के सारे श्रद्धालु, भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं।